इधर डेंगू को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जुलाई में अब तक डेंगू के 65 मामले दर्ज हो गए हैं। जून में 40 और मई में 23 मामले सामने आए थे। अब तक दिल्ली में डेंगू के कुल 187 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करी जाए तो डेंगू के कुल 190 मामले सामने आ गए। 2018 के बाद सबसे ज्यादा मामले डेंगू के दर्ज हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि पिछले साल 2022 में दिल्ली में 1 जनवरी से 15 जुलाई के बीच डेंगू के 159 मामले दर्ज किए गए थे। बाद 2021 की कली जाए तो इस अवधि में दिल्ली में डेंगू के 47 मामले थे और इसके पहले 2020 में डेंगू के 26 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि इस साल कई इलाकों में बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ने की संभावना लगातार बनी है। ये भी कहा गया है कि संबंधित विभागों को मच्छरों के प्रजनन को रोकने के और बाढ़ के पानी से छोड़े गए गाद और कीचड़ को साफ करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।